हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वन बायोलॉजी का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, है ना। यूनिट वन चैप्टर वन जो है बायोलॉजी का, वो है पोषण। बेसिकली चैप्टर वन ये है पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। मतलब इसमें ये होगा जीव जंतु का पोषण कैसे होता है, वो पोषण की प्रक्रिया कैसे, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जा कंप्लीट होती है, वो सारी बात बताना है इसमें। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। देखो, इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। एक प्रक्रिया होती है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जिसमें जीव जंतु का अनुरक्षण, इट मीन्स की देखभाल होता है, है ना। जिस प्रोसेस द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव जंतु का देखभाल किया जाएगा, वही कहलाएगा जैव प्रक्रम। अब कोशिका एक होता है किसी जीव जंतु की, वो सबसे छोटी इकाई होती है, है ना। तो जीवों के अनुरक्षण के लिए जो जैव प्रक्रम होगा, वो एक प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जंतु अपना पोषण करता है, है ना। श्वसन करेगा, परिवहन करेगा, उत्सर्जन करेगा, इनफैक्ट जनन भी करेगा, और नियंत्रण, कुछ जीवों में नियंत्रण भी होता है। ये सारी प्रक्रिया होती है जैव प्रक्रम द्वारा। तो जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जंतु का देखभाल, जीव जंतु का अनुरक्षण किया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर में आपका क्या आएगा, पोषण आएगा, और उसके बाद आएगा श्वसन प्रक्रिया, उसके बाद आएगा परिवहन प्रक्रिया, और उसके बाद आएगा उत्सर्जन की प्रक्रिया, है ना। किसी किसी जीव में नियंत्रण भी होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है, और जनन भी होता है। बेसिकली ये चार प्रक्रिया जो है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का देखभाल होता है। अब किसी सजीव प्राणी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, वो कोशिका होती है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका की बनी होती है, जिसको हम सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। एक और भी प्रकार के जीव होते हैं जो एक से ज़्यादा कोशिका के बनी होती है, वो बहुकोशिकीय जीव होता है ना। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका। अब हम बात करेंगे एक कोशिकीय जीव में। देखो, एक कोशी के जीव में आप ले लो एक अमीबा, ठीक है। अमीबा एक कोशी के जीव है, मतलब इस प्रकार का होगा, अनिश्चित आकार का अमीबा होता है, जिसका कोई आकार फिक्स नहीं है, अपने आकार को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है इस तरह से। तो होता है क्या, सबसे पहले आप जानो कि पोषण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, कि पोषण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। और किसी जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले पोषण चाहिए। पोषण द्वारा जीव जंतु भोजन करेगा और उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण में जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो श्वसन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि उस पोषण तत्वों का, है ना, पोषक तत्वों का क्या होता है, विखंडन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं श्वसन प्रक्रिया द्वारा। श्वसन का अर्थ हो गया यहाँ सांस लेना, ठीक है। और परिवहन, किसी जीव में परिवहन भी जरूरी है, इट मीन्स कि एक भाग से दूसरे भाग तक भोजन को पहुंचाना है, जो शरीर में आवश्यक चीज़ें जो आने जाने का काम करता है, वो पहुंचाना होता है। जैसे हम श्वसन की प्रक्रिया नाक से लेते हैं ना, नाक से ऑक्सीजन लिए, फेफड़े से शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पोषक तत्वों को एक शरीर के किसी एक भाग से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। तो ये पहुंचाने का काम जो करने वाला अंग है, भाग है, वो कहलाएगा, प्रक्रिया कहलाएगा क्या, परिवहन। तो जीव जंतु में परिवहन भी आवश्यक है। और क्या होता है कि पोषक तत्वों का विखंडन के दौरान जो अनावश्यक पदार्थ है, या भोजन से जो बनने वाला अनावश्यक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, इनफैक्ट जीव जंतु के शरीर के लिए, वो सारे शरीर के लिए जो अनावश्यक बेकार पदार्थ है, वो आएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अनावश्यक पदार्थ को, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, है ना। पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, एक्सक्रीशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, सांस लेना, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, जीव जंतु में ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, उत्सर्जन, एक्सक्रेट करना, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ को, बेकार पदार्थ को हमें शरीर से बाहर निकालना। तो ये सारी प्रक्रियाओं द्वारा जीवों का देखभाल कहलाता है क्या, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि एक कोशी के जीव में, अब हम डिफ्रेंशिएट करना है कि एक कोशी के जीव और बहु कोशी के जीव में, क्या एक कोशी के जीव में सारी प्रक्रियाएं होती है, मतलब जीवों का देखभाल होता है जैव प्रक्रम द्वारा। बहु कोशी के जीव में तो होगा ही। अब बहु कोशी के जीव में मनुष्य को ले लो, तो मनुष्य के लिए पोषण के लिए क्या होता है कि एक आहार नल, है ना, बना रखा है, जो इसमें
आहार नल जिसमें मुख हो गया आपका, आहार पढ़ेंगे मतलब वैसे छोटी आंत बड़ी आंत अमाशय सारे चीज आ गया है उसमें। श्वसन, शरीर में श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के लिए क्या होता है कि हमें एक अलग से अंग दिया गया जिसका नाम है फेफड़ा, नाक, फेफड़े से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्ट करने के लिए शरीर में क्या जरूरत चाहिए, रक्त चाहिए, या उसके लिए कोई एक ऑर्गन चाहिए पंप करने, जैसे हृदय। मनुष्य के शरीर में परिवहन के लिए हृदय दिया हुआ है। एक्सक्रेट करने के लिए, अपशिष्ट पदार्थ को है ना पास आउट करने के लिए, निकालने के लिए क्या होता है कि फिल्टर करना पड़ता है, यूरिन को फिल्टर करना पड़ता है, यूरिक या यूरिक एसिड को, जो अपशिष्ट पदार्थ है, यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थ है, इसको भी क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको आ जाएगा उत्सर्जन में। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि एक से ज़्यादा कोशिका मिलकर ये सारे काम को करते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में एक से, अब देखो आहार नल मतलब ये हुआ छोटी आंत बड़ी आंत है ना, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो बना हुआ है, वो सारे के सारे एक से ज़्यादा कोशिका के बने होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में एक से ज़्यादा कोशिका आपस में मिलकर जीवों का देखभाल कर रहा है। लेकिन जब बात करेंगे एक कोशी के जीव की, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे एक कोशी के जीव होता है, क्या उसमें जीवों का देखभाल, क्या इन मतलब ये उसमें क्या जैव प्रक्रम की प्रक्रिया होती है? तो याद रखना कि एक कोशी के जीव जैसे अमीबा या पैरामीशियम या बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है, उसमें भी क्या होता है कि जीवों का देखभाल पोषण प्रक्रिया द्वारा होता है ना। मतलब अमीबा भी अपना भोजन करेगा, अमीबा में भी भोजन होता है, अमीबा भी सांस लेता है, अमीबा भी परिवहन करता है, और अमीबा भी उत्सर्जन करता है। तो एक कोशिकीय जीव से ये समझ में आया कि उसका एक ही कोशिका ये सारे काम को करते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिका आपस में मिलकर ये सारे काम को करते हैं। तो समझ में आया कि जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जीव जंतु का देखभाल होता है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय, सरल प्राणी हो या जटिल प्राणी हो, है ना। एक सिंपल कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो, या एक कह सकते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे जीव जंतु में जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो अब हम लोग पहली प्रक्रिया जिसका नाम है पोषण, यूनिट वन में पोषण के बारे में ही दिया हुआ, यूनिट टू में श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, ठीक है। पोषण, न्यूट्रिशन, तो जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम क्या होगा, पोषण। पोषण का मतलब है कि भोजन को अंदर ले जाना, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उसको अंदर ले जाना, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पोषण। अब पोषण मेनली दो प्रकार से होता है, एक वो जीव जो अपना भोजन शून्य बनाएगा, अपना भोजन शून्य बनाएगा, एक वो जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर होगा, बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल दूसरे जीवों पर निर्भर होगा, वो कहलाएगा दूसरे में। एक वो जीव जो अपना भोजन शून्य बनाएगा, पोषण एक प्रोसेस होता है। पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करेगा, है ना। मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जितने भी पोषक तत्व हो उसको हम जो आवश्यक मतलब हमें आवश्यकता होती है, तो जिस विधि से हम लोग इसे प्राप्त करते हैं वो कहलाएगा आपका क्या, पोषण प्रक्रिया कहलाएगा ना। पोषण प्रक्रिया आपको याद रखना है कि जीव जंतु पोषण भोजन yeah
पोषण एक प्रक्रिया हुआ जिसमें जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करेगा। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव जंतु को हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जिस विधि द्वारा जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उस विधि का नाम क्या है? पोषण। ठीक है, बेसिकली आपको ये इसकी कहना। और वरना आपको PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से स्टडी डाउन करते हैं। बेसिकली हम ये समझा रहे हैं कि जिस विधि द्वारा क्या होता है कि जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करने करता है, ग्रहण करने की विधि का नाम क्या है? पोषण। मतलब भोजन करने का जो नाम है उसी का नाम पोषण हो गया। लेकिन कुछ जीवों में अलग होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। हम यहाँ पोषण की प्रक्रिया केवल एक कोशिके या बहु कोशिके में नहीं, बल्कि जितने भी कोशिके जीव जंतु है या किसी भी प्रकार का जीव जंतु, वो सारे की बात हो रही है ना। अब पोषण की प्रक्रिया एक कोशिके जंतु में भी होगा, बहु कोशिके सरल प्राणी में भी होता है और जटिल प्राणी में भी होता है। ठीक है, सबके बारे में डिस्कस, यहाँ तक कि पेड़ पौधा की बात भी होगी। तो पोषण की प्रक्रिया में एक वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसका नाम होगा क्या? स्वपोषण। एक वो जीव जो अपना भोजन दूसरों पर पूरी तरह बिल्कुल निर्भर रहेगा, आश्रित रहेगा, वो कहलाएगा परपोषण। है ना, ऑटोट्रॉप्स है ना, हेटरोट्रॉप्स, पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर रहेगा। आज स्वपोषण में वो जीव आता है जो अपना भोजन स्वयं बनाने वाला जीव है, वो है पेड़ पौधा। बाकी जितने भी जीव है वो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। मतलब ये हुआ कि कुछ जीव ऐसे परपोषी ऐसे जीव होते हैं कुछ जो डायरेक्ट पेड़ पौधे को खाते हैं, अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो शाकाहारी जंतु, मतलब पेड़ पौधे को खाने वाले जंतु हैं शाकाहारी। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी जंतु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वो सारे जीव जो साग सब्जी पेड़ पौधे को खाने वाला जीव जंतु होगा, या पेड़ पौधे को खाने वाले जंतु को कोई जीव खाता है, वो सारे जीव किस में आएगा? परपोषण में आएगा। चाहे वो मरे हुए शरीर से अपना भोजन बनाए, या ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह के अपना भोजन बनाए, वो सारे के सारे परपोषण में आएगा, मतलब हेटरोट्रॉप्स में आता है। ठीक है, जितने भी सारे हरे पौधे पेड़ पौधे हैं वो सारे हरे पौधे स्वपोषण में आएगा। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वैसे इसका डिटेल्स थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि क्या होगा, क्योंकि पत्तियों के पत्तियों में एक संरचनाएं पाई जाती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और उसमें एक हरे रंग का पिगमेंट वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाने के कारण, प्रणहरित पाने के कारण पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाएगा सूर्य प्रकाश के द्वारा। सूर्य प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषण होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पत्तियों में, मतलब इस संरचना ही होती है क्लोरोप्लास्ट, और उसमें पाए जाने वाला वर्णक क्लोरोफिल होता है। अगर किसी जीव जंतु के, चाहे पेड़ पौधा को छोड़कर कोई और जंतु ऐसा है जिसके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वो भोजन जो बनाएगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा, अब वो स्वपोषी की श्रेणी में आएगा। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होगा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से परपोषी, मतलब परपोषी होते हैं, अब वो स्वपोषी जीव को खाते हैं। तो जहाँ डायरेक्ट जीव जंतु को खाते हैं तो वो आएगा आपका प्राणी सम में। जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भोजन करेगा पेड़ पौधे को, वो हो गया प्राणी सम में, है ना। एक वो जीव जो मरे हुए शरीर से अपना भोजन बनाता है वो होगा मृत जीवी। एक वो जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रहकर बनाता है उसका नाम है परजीवी। ये जीव जंतु का नाम प्राणी सम जीवी, मृत जीवी, परजीवी। लेकिन प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्राणी सम पोषण कहलाएगा, मृत जीवी पोषण कहलाएगा, और परजीवी पोषण कहलाएगा। क्योंकि हम पोषण के प्रकार ही तो पढ़ रहे हैं, एक प्रोसेस ही तो होगा ना। स्वपोषण, परपोषण, तीन प्रकार का प्राणी सम पोषण, जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतु से पूरी तरह आश्रित होकर प्राप्त करते हैं,
जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर, टच में रहकर, कॉन्टैक्ट में रहकर अपना भोजन बनाते हैं। तो तीन प्रकार का परपोषण होता है। जो पोषण करने वाला जीव होगा वो होगा पोषी। पोषण करने वाले जीव का नाम पोषी होता है। सौ पोषण करने वाला जीव सौपोषी, जिसमें हरे पौधे आ जाएंगे। जो दूसरों पर निर्भर होगा, इट मीन्स कि अपना भोजन शून्य ना बनाकर सौपोषी जीव पर निर्भर होगा, वो कहलाएगा परपोषी। और परपोषी में परानिसम जीवी होगा, मृत जीवी और परजीवी, ये जंतु का नाम है। मृत जीवी, परजीवी, परानिसम जीवी, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। और उस जीव का नाम क्या होगा? परानिसम जीवी, मृत जीवी और परजीवी। परजीवी में मृत जीवी का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक मृत जीवी जंतु है, क्योंकि अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है, सरे गले पदार्थ से प्राप्त करता है। ये सब हो गया। परपोषण के प्रकार देख लो। परपोषण के प्रकार, उसमें पहले प्रकार का परपोषण जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का हम ले लेते हैं प्राणिसम। प्राणिसम परपोषण, इसमें ऐसे जीव आएंगे जो जीव दूसरे ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। नहीं, जनरली ठोस के रूप में ही होता है ना, भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे भी ले सकते हो। हाँ, दोनों होगा, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो जीव किस में आएगा? प्राणिसम में आएगा। अब एग्जाम्पल में देखो कौन कौन आएगा। कुछ जीव डायरेक्ट पेड़ पौधों को अपना भोजन के रूप में बनाता है, डायरेक्ट वो शाकाहारी जंतु में आएगा। अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जो शाकाहारी जंतु को खाते हैं वो आएगा मांसाहारी। शाकाहारी जंतु में जैसे एक मतलब कह सकते हैं छोटे सरल प्राणी हो गया, या बहु को हम कह सकते हैं, इसमें हिरण ले लो, है ना, मतलब जितने भी साग सब्जी खाने वाले जंतु है, हो गया आपका गाय हो गया, ये बहुकोशी की सब्जी जटिल प्राणी में आ गया। सरल प्राणी भी ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल होगा। मांसाहारी जंतु, मांस खाने वाले जंतु, शेर, बाघ। अब कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं कि जो दोनों दोनों कैटेगरी में आते हैं, मतलब शाकाहारी के जंतु कैटेगरी में और मांसाहारी के जंतु कैटेगरी में। मनुष्य खुद एक शाकाहारी भी है और मनुष्य खुद एक मांसाहारी भी है, मनुष्य दोनों कैटेगरी में आएगा, शाकाहारी की कैटेगरी में भी और मांसाहारी के कैटेगरी में भी, तो उसको कहेंगे सर्वाहारी जंतु, वो सर्वाहारी में आएगा। मतलब इससे ये समझ में आया कि वो जीव जो परपोष प्राणी सम में आता है, जो अपना भोजन डायरेक्ट पेड़ पौधे को रूप में ग्रहण करते, पेड़ पौधों को डायरेक्ट बनाते रूप, तो इसमें वो जीव आएगा जिसमें जो जीव अपना भोजन डायरेक्ट पेड़ पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या पेड़ पौधे को खाने वाला जंतु मांसाहारी उसको खाते हैं। तो ये सारे के सारे प्राणी सब में आता है, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। जनरली ठोस के रूप में ज़्यादा होता है, तरल के रूप में, तरल का मतलब गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राणी सम, परजीवी हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्राणी सम के बाद क्या हो गया, मृत जीवी। दूसरा है आपका क्या? मृत जीवी परपोषण। मृत जीवी परपोषण मतलब इसमें ये होगा कि वो जीव आएगा जो अपना भोजन मृत शरीर से, या ये पॉइंट याद रखना, जीव जंतु के मृत शरीर से या सरे गले पदार्थ से,
अपना भोजन ग्रहण करता है। अपने भोजन ग्रहण करने के लिए जीव जंतु के मरे हुए शरीर से या सरे गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करता है, वो जीव आएगा मृत जीवी में। तो मृत जीवी शरीर से या सरे गले पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करेगा, वो जीव किस में आएगा? मृत जीवी प्रपोषण में आएगा। अब मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करने वाला जीव वो है कौन कौन होगा? जैसे कवक हो गया, फंगस है ना। कवक क्या होता है? कहीं पे कोई सरे गले पदार्थ हुआ, जैसे कहीं पे कोई कह सकते हैं कहीं पे कोई पेड़ पौधे का अपशिष्ट पदार्थ सड़ गया है ना, सड़ रहा है, तो वहाँ पे एक नया कवक निकल जाएगा। जनरली गांव घरों में ऐसा देखने को मिलता है। कवक हो गया आपका, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया भी मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन बनाता है। ईस्ट हो गया, ईस्ट भी ऐसे ही करता है। तो ये सारे जीव जंतु किस में आएगा? आपको मृत जीवी परपोषण में आ जाएगा, है ना। अपने मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन एक वो जीव जो दूसरों के संपर्क में रह के अपने भोजन बनाएगा, उसका नाम क्या है? परजीवी, परपोषण। देखो इसमें दो तरह का परजीवी परपोषण होता है। एक होगा डायरेक्ट, तो परजीवी परपोषण में दो तरह का जीव आएगा। एक वो जीव जो डायरेक्ट अस्थाई रूप से, मतलब हमेशा, एक होता है अस्थाई रूप से, अनस्टेबल। अस्थाई या अस्थाई रूप से जीव जंतु अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु, नहीं मरा हुआ नहीं होगा, परजीवी है, बल्कि दूसरे जीव के संपर्क में रह के अपना भोजन तैयार करता है। दूसरे जीव के संपर्क में रहने वाला जीव कौन होगा बताइए? बताना है कि कौन सा जीव परजीवी होगा और अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में या अस्थाई रूप से या अस्थाई रूप से। अस्थाई रूप के मतलब हमेशा के लिए, अस्थाई क्या होगा? कुछ समय के लिए रहेगा, फिर अपना भोजन ग्रहण करेगा, फिर जैसे ही वो विकसित होगा, बड़ा होगा, फिर साइड हो जाएगा। अस्थाई हमेशा के लिए वो है ना साथ देगा। और मतलब ये हुआ कि एक ऐसा जीव दूसरे जीव के संपर्क से, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन उससे तैयार करता है। जैसे हम मलेरिया परजीवी की बात करते हैं ना, मलेरिया परजीवी ऐसा परजीवी होता है, मलेरिया परजीवी ऐसा परजीवी होता है जो दूसरे जीव जंतु का ब्लड लेके अपना भोजन के रूप में उसे ग्रहण करता है। इसलिए मलेरिया परजीवी किस में आ जाएगा? परजीवी परपोषण की विधि में आएगा, है ना। और भी जीव जंतु है, जैसे हम कह सकते हैं जीवाणु, कुछ जीवाणु वायरस होते हैं, जीवाणु, यहाँ तक कि कवक भी होगा। कवक मरे हुए जीव जंतु से भी अपना भोजन बनाता है और दूसरे जीवों के संपर्क में भी अपना भोजन बनाता है। ऐसे ही हो जाता है कवक, फंगस, मशरूम भी हम जनरली के नाम से जानते हैं। बहुकोशी के जटिल सरल प्राणी में आएगा, है ना। एक पौधा होता है एक तरह का, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है कवक में। तो ये सारे जीव जंतु, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं खटमल भी आएगा आपका किस में? खटमल हो गया आपका, जू हो गया आपका, टेपवॉर्म हो गया, गोल कृमि हो गया। ये सारे जंतु किस में आएगा? परजीवी परपोषण की विधि में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल समझ में आ गया कि जो बड़े सूक्ष्म बहुकोशी के जटिल प्राणी है या सरल प्राणी में कुछ ऐसे जंतु हैं, वो जनरली किस में आता है? प्राणी सम परजीवी में आता है। लेकिन मृत जीवी में जनरली एक कोशी के या बहुकोशी के सरल प्राणी आता है। फिर वैसे परजीवी में भी सेम होता है कि बहुकोशी के सरल प्राणी या एक कोशी के जीव जंतु ही आता है इसमें, परजीवी में या मृत जीवी। लेकिन प्राणी सम में जो आएगा वो उसमें आएगा, बहुकोशी के सरल प्राणी भी आएगा और जटिल प्राणी दोनों आएगा, है ना, मृत उसमें, प्राणी सम प्रपोषण में। तो प्राणी सम प्रपोषण तीन प्रकार का होगा, एक प्रपोषण तीन प्रकार का, एक प्राणी सम, दूसरा मृत जीवी, और तीसरा क्या होगा? परजीवी। ये होता है। अब इस चैप्टर में बेसिकली दो मेन पार्ट होगा, एक पौधे में पोषण की विधि बताना है हमें और दूसरा जो जीव जंतु में पोषण की विधि। अब जीव जंतु तो करोड़ों अरबों प्रजातियाँ होगा, सबके बारे में नहीं जानना है। बेसिकली क्लास 10th में जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, वो दिया हुआ केवल मनुष्य में पोषण की विधि और कुछ सूक्ष्म जीव है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उसमें पोषण की विधि, है ना। तो जीव जंतु में ऐसे इसी बारे में पढ़ना है, मनुष्य के बारे में और एक कोशी के अमीबा पैरामीशियम के बारे में आपका सिलेबस में दे रखा है, और पेड़ पौधे में पोषण की विधि यही पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले पौधों में पोषण। वैसे अभी बताए थे कि पौधा में किस प्रकार का पोषण होगा, तो पौधा एक ऐसा जंतु है जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, खुद बनाएगा, तो परपोषण में नहीं आएगा बल्कि ये स्वपोषण में आएगा, ठीक है। पौधे में पोषण की विधि जो होता है वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां जनरली हरी होती है, ठीक है।
पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। इसका अर्थ हो गया कि इसके एक इसके अंदर में एक संरचनाएं पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक होता है जिसमें पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक संरचनाएं होती है पेड़ पौधे की पत्तियों में, एक संरचनाएं होती है जिसमें एक हरे रंग का वर्णक होता है, ठीक है, हरे रंग का पिगमेंट होगा, उस वर्णक का नाम क्या है आपका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधा अपना भोजन स्वर्ण बनाएगा, जिस या इसको हम पर्णहरित भी कह सकते हैं ना, पर्णहरित भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा अपना भोजन स्वर्ण बनाएगा, क्योंकि इसके पास सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को, है ना, विकिरण ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का, शोषण करने, अवशोषण करने का एक कैपेसिटी होता है क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल के पास सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पत्तियों के मतलब पत्तियों में पाए जाते हैं छोटे छोटे बहुत ही महीन बारीक छिद्र, उस छिद्र का नाम हमने स्टोमाटा रखते हैं। उस छिद्र का नाम क्या होता है, स्टोमाटा। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या करेगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा। हम ये बता रहे हैं कि पेड़ पौधे में पोषण की विधि क्या होता है ना, पेड़ पौधे में किस प्रकार से पोषण होता है वो बता रहा हूँ, कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे की पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो अवशोषण की प्रक्रिया सूर्य प्रकाश में ही होती है। और क्या होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जड़ों से, है ना, जड़ों से जाइलम फ्लोएम, इसके अंदर में उत्तक पाए जाते हैं, उस उत्तक द्वारा जल को ग्रहण करता है। तो पेड़ पौधा जल को जड़ों द्वारा, तना शाखाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है, जाइलम और फ्लोएम पहुंचाने का काम होता है, जो एक परिवहन की क्रिया वहाँ पर शुरू होती है ना, ठीक है। तो जल को नीचे से ऊपर की ओर पहुँचाया गया, अब पेड़ पौधे की पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब क्या करेगा कि सूर्य प्रकाश जो है ना वो पानी के अणु को तोड़ देगा, इस प्रकार जल के अणु, जो अणु पानी का जो अणु पहुंचा हुआ है इस पत्तियों में, वो क्या होगा, सूर्य प्रकाश में पानी के अणु विखंडित हो जाएंगे H2 में और ऑक्सीजन O2 में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विखंडित कर देगा, तोड़ देगा इसके पानी के अणु को सूर्य प्रकाश। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ग्रहण किए हैं वायुमंडल से, पेड़ पौधा ग्रहण किया है, वो जल के अणु जो टूटा हुआ है H2O, इन दोनों को क्या करेगा, आपस में मिलाएगा। ये पॉसिबल होता है सूर्य प्रकाश में, कब पॉसिबल होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को जल को आपस में मिलाकर बना देगा ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन कर देगा, और साथ साथ जल का कुछ भाग ही पड़े होगा, कुछ भाग पानी का निकल जाएगा, वाष्प बनकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं होती है, यही तो है ग्लूकोज, जिसके हम कहते हैं भोजन के लिए एक पोषक, ग्लूकोज जो पौधे के लिए भोजन का काम करेगा, ग्लूकोज एक भोजन का काम करेगा, ग्लूकोज, है ना, ये पोषक तत्व हो गया भोजन के पौधे के लिए। इसी ग्लूकोज पोषक तत्वों की सहायता से पेड़ पौधा अपना विकास वृद्धि करता है और अपना अवधि बढ़ा। देखो यहाँ जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ है वो H2O जो सूर्य प्रकाश में अपघटन होने के बाद, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में बदलने के बाद, अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणु को तोड़ दिया गया हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस में, और मिलकर बना दिया C6H12O6। ग्लूकोज एक पोषक तत्व के रूप में भोजन के लिए, मतलब पौधे के लिए एक भोजन का काम करेगा, साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और H2O निकाल देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना दिया पोषक तत्व, ठीक है,
यहाँ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। पौधे के लिए यही हो गया आपका भोजन C6H12O6। इसी भोजन से पेड़ पौधा अपना विकास वृद्धि करता है। अब पोषण पहुँचाने का काम, अब सवाल ये है कि पेड़ पौधे के लिए जो किचन का काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है, वो पत्तियाँ करता है। तो पत्ती में भोजन बनेगा, इट मीन्स कि पत्ती का विकास वृद्धि तेजी से होगा, बाकी अंगों का नहीं होगा? नहीं, क्योंकि पत्तियों से लेकर पूरे शरीर के, मतलब उस पौधे के अंगों तक फैला होता है एक ट्रांसपोर्ट करने वाला एक टिश्यू उत्तक, जिसका नाम जाइलम और फ्लोएम, यही का काम तो है। अब देखो, जल जो नीचे से ऊपर की ओर आया, पत्तियों तक आया है, वो किस कैसे आया है? एक जाइलम द्वारा आया। तो फ्लोएम क्या है? पोषक तत्वों को पूरे शरीर, पूरे पौधे में फैला देगा। अब फैलाने के बाद अपना भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। अब क्या होता है कि वही ग्लूकोज पौधा ग्लूकोज को एक सुक्रोज के रूप में जमा कर लेगा रात के समय में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी के लिए कंडीशन होता है। वो कंडीशन केवल दिन में होगा, क्योंकि दिन में प्रकाश, सूर्य प्रकाश होती है। तो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। दिन में होगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से जो उत्पन्न पोषक तत्व है ग्लूकोज, पौधा उसको रात के लिए सुक्रोज के रूप में जमा कर लेगा। अब वो सुक्रोज को यूज़ करता रहेगा एक पोषक तत्वों के लिए, यूज़ करता रहेगा, पूरी रात भर करता रहेगा। फिर जैसे ही प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश जैसे निकलता है, फिर से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो पौधा इसी प्रकार अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इससे ये समझ में आया कि पौधे में पोषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या होना जरूरी है। एक तो सूर्य प्रकाश होना जरूरी है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, तीसरा पौधे का हरा होना जरूरी है, मतलब क्लोरोफिल का होना, उपस्थिति होना जरूरी है, और चौथा जल का होना जरूरी है। पेड़ पौधे के लिए पोषक तत्व जो है, आवश्यक घटक, आवश्यक कारक है, वो चार है, याद रखिएगा। वो चार एक सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और H2O। एस्टोमाटा तो एक छिद्र होता है, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसी छिद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और इसी छिद्र द्वारा ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। यहाँ तक कि इवापोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है, H2O वाष्प बन के निकलना, इसी छिद्र द्वारा ही होता है। पेड़ पौधे की पत्तियों से ऐसा होता है। अब पेड़ पौधे की पत्तियों को ही हम कह सकते हैं किचन का काम करेगा, है ना, एक भोजन बनाने का काम करेगा। तो पेड़ पौधे में पोषण की प्रक्रिया पत्तियों द्वारा होता है, क्योंकि उसके उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक संरचना में पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक संरचना ही होती है, ठीक है, पेड़ पौधे की में एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसका रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक घटक क्या है, आवश्यक कारक क्या है, चलो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले। आवश्यक घटक हो जाएगा पेड़ पौधे के लिए क्या होगा, आवश्यक कारक क्या होगा पेड़ पौधे के लिए? पहला सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश विकिरण ऊर्जा के रूप में, है ना, विकिरण ऊर्जा के रूप में पेड़ पौधा की पत्तियां ग्रहण करता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है। अब सूर्य प्रकाश का होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कोई दूसरे पदार्थ की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरे प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं होगी, केवल सूर्य प्रकाश की, क्योंकि यूवी रे होता है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। इस वजह से वो पराबैंगनी किरणें क्या होता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये, मतलब इन दोनों को मिलाने का काम करके ग्लूकोज बना देगा। मेनली सूर्य प्रकाश का काम ये होता है कि जल के अणु का विखंडन, याद रखना, जल के अणु का विखंडन करने का काम सूर्य प्रकाश का होता है। विखंडन होने के बाद क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज उसके लिए पोषक तत्व बना देगा, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा इस तरह से। दूसरा आवश्यक घटक क्या होगा? जल, जो पेड़ पौधा जड़ों द्वारा जल प्राप्त करते हैं, जड़ों द्वारा, जाइलम फ्लोएम द्वारा ऊपर की ओर लाते जल। तीसरा घटक क्या हो गया आपका? तो तीसरा हो गया आपका क्लोरोफिल। एक वर्णक, एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट संरचना में पाई जाती है। और चौथा घटक हो गया पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधा वायुमंडलीय, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जिसका एक क्वांटिटी होता है 0.03%। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो पोषण बनाने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब क्या होता है कि अगले क्लास में, मतलब
चैप्टर 2 में दिया हुआ है कि श्वसन की प्रक्रिया, तो पेड़ पौधे फिर श्वसन की प्रक्रिया भी होगा, पेड़ पौधे में श्वसन भी होगा और पोषण भी होगा। तो पोषण के दौरान आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है। पोषण में पेड़ पौधे के पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है, ठीक है।